Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain question number 12 of class 11th exercise 5C. So let's start the video from 12th question. Given that tan x is equal to 12 upon 5 and cos y is equal to minus 3 upon 5 and the angles x and y are in the same quadrant, calculate without the use of table the value of sin x plus y and cos y upon 2. Means इसका use करके हम क्या करेंगे, एक triangle form करेंगे जिसकी दो side मालूम है, third side find कर लेंगे Pythagoras theorem से. उसके बाद sin x plus y का rule लगाना है. क्या formula होता है sin x plus y का? Sin x cos y plus cos x sin y. तो सारी values जब triangle हमारे पास बन जाएगा तो हम वहाँ से रख सकते हैं और cos y by 2 की value निकालनी है with the help of the cos x. ठीक, so let's start from 12 question. Write question number 12 in short form. ये देखिए, ये question number 10 का solution है. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने question number 10 solve किया, लेकिन उसमें आधे ही solve हुआ था. तो थोड़ी सी बच्चों को ये problem आ रही थी कि पूरा calculation कैसे होगा, तो इस तरीके से आप solve कर लीजिएगा, वहाँ से पूरी help आपको मिल जाएगी. इससे पहले के वीडियो में 10th question solve है. ये बोला था कि अपने से कर लीजिएगा, बट उसके बाद अगर से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. tan x is equal to 12 upon 5 and cos y is equal to minus 3 upon 5. आपसे ये कहा गया है कि assume that x and y are in the same quadrant. Calculate the value without using the table. एक चीज़ ये समझिएगा, tan की value आपकी positive है और cos की value negative है. तो जाहिर सी बात, tan positive cos negative ये किस quadrant में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. मीन्स जब भी हम साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक की वैल्यू पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सारे एंगल को कहाँ सपोज करना है? थर्ड क्वाड्रेंट में. इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट कहा नहीं है, बट जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आपको मिल रहा है कि ये वैल्यू कहाँ की है? थर्ड क्वाड्रेंट की है. अच्छा, अब देखिए, टैन एक्स की वैल्यू आपको मालूम है 12/5 एंड कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस 3/5. ऐसा कहीं नहीं क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक्स और वाई एक ही ट्राइंगल में है. तो x के लिए हमने अलग एक ट्राइंगल बना लिया एंड फॉर y अ सेपरेट अनदर ट्राइंगल. सो इन फर्स्ट ट्राइंगल वी हैव tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी गेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस एज ए 13 एंड फॉर cos y बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 3/5 बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट द परपेंडिकुलर एज ए 4. क्लियर, ये दो चीज़ें हम ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके. उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई. वी नो दैट साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन, बट हियर एज एक्स एंड वाई आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन ऑफ एक्स मीन्स निगेटिव वैल्यू ऑफ साइन एक्स. सो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12/13 एंड कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस 3/5. क्लियर, नाउ कॉस एक्स अगेन निगेटिव माइनस 5/13 एंड साइन वाई अगेन निगेटिव इज इक्वल टू 4/5. तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपको साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू मालूम हो जाएगी. नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस वाई. वी नो दैट कॉस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस 1. सो कॉस वाई स्क्वायर वाई बाई 2 की वैल्यू अगर से निकाली जाए तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो ये आपका रूट में कन्वर्ट हो जाएगा. कॉस वाई बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस कॉस वाई अपॉन 2. कॉस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था, ला के इसमें रख दीजिए सारी वैल्यू. कॉस इज इक्वल टू माइनस 3/5, सब्स्टिट्यूट हियर एंड कैलकुलेट द रिलेशन, यू गेट द वैल्यू ऑफ कॉस वाई अपॉन 2. क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसको ट्राई करिएगा, इन केस अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको सेंड कर दिया जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Given that sin square beta is equal to sin alpha cos alpha, show that cos 2 beta is equal to 2 cos square pi by 4 plus alpha. अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ पे आपको sin square beta की वैल्यू दी गई, ये रिलेशन दिया है. आपसे क्या cos 2 beta की वैल्यू बताइए. तो cos 2 beta का फॉर्मूला हो सकता है 1 माइनस 2 sin square beta. हम sin beta की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म ऑफ अल्फा, उसके बाद सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ गिवन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद कॉस टू बीटा को लेके सॉल्व करते हैं. ओके, गिवन दैट साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा. वी नो दैट कॉस टू बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा.
वी कैन राइट हियर कॉस टू बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ओके, सेम एज 1 माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या होगा, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, या सॉरी 1 की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेम एज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा के फॉर्म में इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका अल्फा के फॉर्म में रिलेशन दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर का रूल बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म से। अब देखिए हमने क्या किया कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिया, माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा जैसे था बिल्कुल वैसे रख दिया। इसको रेड पेन से इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं ताकि ये समझ में आए कि ये 1 की वैल्यू है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो आप इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और बी माइनस ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वो होल स्क्वायर है सो ऑर्डर कम्यूटेटिव होगा, उसको आगे पीछे किया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट ये काम सिर्फ होल स्क्वायर की वजह से हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, यहाँ पे इक्विवेलेंट डिफरेंस लगाया बट उसको लगाने का कोई सेंस नहीं है, आप डायरेक्ट माइनस लगा सकते थे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें पाई बाई फोर आ रहा है, तो पाई बाई फोर तो तब आएगा जबकि साइन पाई बाई फोर की वैल्यू 1/√2 हो जाए और कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू 1/√2 हो जाए, यानी कि हमको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना होगा। बट यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो √2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिवाइड करेंगे वो कॉस पाई बाई फोर एंड साइन पाई बाई फोर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √2। लुक हियर, मल्टीप्लाई √2 कॉस अल्फा अपॉन √2 एंड √2 साइन अल्फा अपॉन √2। अभी ये ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन अगर इस √2 को कॉमन ले लिया जाए और स्क्वायर कर दिया जाए तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√2 1/√2। सो हमें अगर कॉस के फॉर्म में बनाना है तो 1/√2 एज ए कॉस 45, और साइन के फॉर्म में बनाना होगा तो 1/√2 एज ए साइन 45। अब देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2 कॉस अल्फा एंड फॉर 1/√2 कॉस पाई बाई फोर, सेम एज साइन अल्फा 1/√2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर। यहाँ पे 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे √2 एज ए √2 कॉमन एंड स्क्वायर ऑफ √2 इज इक्वल टू 2, क्लियर। अब देखिए ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्म हो गया, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। बीटा की जगह पे पाई बाई फोर है हमने इसलिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि क्या हम यहाँ पर साइन पाई बाई फोर भी लगा सकते थे, तो बिल्कुल लगा सकते थे, बट हमको प्रूफ करना है कॉस के फॉर्म में, कॉस पाई बाई फोर प्लस थीटा के फॉर्म में, तो कॉस के फॉर्म में तभी आएगा जबकि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के फॉर्म में हो, इस फॉर्म का होगा तभी हम कॉस ए प्लस बी का रूल लगा सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, कॉस अल्फा प्लस पाई बाई फोर होल स्क्वायर। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है 2 कॉस अल्फा प्लस पाई बाई फोर होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट अल्फा प्लस पाई बाई फोर, इट इज़ योर राइट हैंड साइड। ओके, इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ड्राइव फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ द फंक्शन 2 थीटा एंड देन ऑफ थीटा, मीन्स इन सब का फार्मूला हमको रखना है, पहले 2 थीटा के फॉर्म में फिर उसको कन्वर्ट करके थीटा के फॉर्म में लाना है। जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसी तरीके से साइन 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है साइन 2 थीटा के फॉर्म में, उसके बाद साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ साइन थीटा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे समझ लीजिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। एंड कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 फॉर्मूले कॉस के होते हैं, पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या अगर हम इसकी वैल्यू कॉस के फॉर्म में रख दें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू साइन के फॉर्म में रखते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस 2 थीटा की 3 वैल्यू होती है, आप तीनों का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर ज़रूरत के हिसाब से जैसा आपका क्वेश्चन होगा। नाउ फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा इन टर्म ऑफ 2 थीटा एंड थीटा। तो साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई रेस्ट पार्ट, मीन्स 2 थीटा करेंगे तभी 2 4 आएगा। अब साइन 2a, इसे यहाँ पे थीटा था तो 2 थीटा था तो थीटा और थीटा बना था ना, इसी तरीके से यहाँ पे 2 थीटा है तो ये एज ए एंगल है, तो 2 साइन ऑफ ये एंगल एंड कॉस ऑफ ये एंगल, सो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो गया। अब देखिए
साइन टू थीटा का हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये ऊपर वाला जो है। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, फोर साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये तो साइन फोर थीटा की वैल्यू हो गई। अब अगर हमको कॉस फोर थीटा की वैल्यू इसी तरीके से निकालनी होती तो कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन, जो भी एंगल होगा उसका हाफ करना है। फोर थीटा है तो यहाँ पे टू थीटा आएगा, यहाँ पे सिक्स थीटा होता तो यहाँ पे थ्री थीटा आता, यहाँ पे सिर्फ थीटा होता तो थीटा बाई टू आ जाता, एट थीटा होता तो फोर थीटा बन जाता, इस एंगल का हाफ यहाँ पर आता है। ये ऐसी तरीके से साइन के साथ भी था। तो टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन, अब ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का रूल लगा दीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो एकदम बेसिक काम है, खाली फॉर्मूला याद है तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी तरीके से हम टैन टू थीटा का भी काम कर सकते हैं, टैन फोर थीटा से टैन टू थीटा कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद टैन टू थीटा को टैन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप इसी तरह से टैन फोर थीटा को भी सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा टैन 3 अल्फा। तो सीधी सी बात है कि साइन 3 अल्फा का पहले फॉर्मूला रखेंगे, उसमें जो जो आता होगा सब कुछ की वैल्यू पुट कर देंगे। बट कॉस और टैन के लिए आपको एक काम करना होगा कि पहले साइन अल्फा से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल के अगर तीनों साइड मालूम हो गई तो वहाँ से हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं और टैन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूले में होगी। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin θ माइनस 4 sin³θ, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos³θ माइनस 3 cos θ, टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan θ माइनस 10³θ अपॉन 1 माइनस 3 tan²θ, या सिंपली टेन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, साइन एंड कॉस को डिवाइड कर देंगे तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है, गिवन साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 मीन्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस एज ए 4, क्लियर। अब अगर ट्राइंगल के तीनों चीज़ें आपको मालूम है तो आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं 3/5, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं 4/5, एंड टैन की वैल्यू मिल सकती है 3/5। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इसमें तो सिर्फ साइन कॉस और टैन की वैल्यू ही तो पुट करनी है, वैल्यू सब्सिट्यूट करके आपको कैलकुलेशन करना है, आपको रिजल्ट मिल जाना है। तो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टैन 3 थीटा की वैल्यू बस यहाँ पे जो चीज़ें हैं फॉर्मूले में वो सब यहाँ ट्राइंगल से रख दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी ईजी है, खुद से ट्राई करिए, ऐसे आपके फॉर्मूले भी तैयार होते जाएंगे, रिवाइज होते जाएंगे, तो प्रैक्टिस करने से लर्न हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। हियर क्वेश्चन नंबर 16, इफ 2 cos θ इज इक्वल टू x+1/x, प्रूव दैट 2 cos 3 θ इज इक्वल टू x³+1/x³, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन टर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ओके इट इज योर क्वेश्चन, 2 cos θ इज इक्वल टू गिवन 2 cos θ इज इक्वल टू x+1/x, ये क्वेश्चन में मालूम है आपको। ओके नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos 3 θ, क्लियर। सो राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 cos 3 θ। ओके 2 cos 3 θ इज इक्वल टू 2, वैसे ही है, कॉस 3 θ का फॉर्मूला लगा दिया जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 में देखा है, ठीक है। उसका फॉर्मूला लगाने से क्या फ़ायदा हो गया आपको, 4 cos³θ माइनस 3 cos θ। यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो भी हमको तो भी एक रिलेशन मिल जाएगा, या तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी जाएगी तो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ओके मल्टीप्लाइड 2 बाई बोथ द टर्म, 2 4 8, 2 3 6। अब देखिएगा आपको जो वैल्यू मालूम है वो 2 cos θ की वैल्यू मालूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को 2 cos θ होल क्यूब, 2 cos θ होल क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है 3 × 2 cos θ, मीन्स दोनों को मल्टीपल ऑफ 2 cos θ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ताकि 2 cos θ की हम वैल्यू x+1/x रख सकें। अच्छा अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 2 cos θ होल क्यूब माइनस 3 × 2 cos θ हो जाएगा, 2 cos θ इज इक्वल टू गिवन x+1/x, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x+1/x एंड हियर ऑल्सो x+1/x। अब a+b होल क्यूब का रूल लग जाएगा, क्या होता है a³ + b³ − 3ab (a+b), तो ये और ये टर्म कुछ कैलकुलेट करने पर आपका शॉर्ट हो जाएगा, फाइनली रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इसको मिनिमाइज कर लें,
ये रिलेशन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब यहाँ पे थ्री ए बी करेंगे तो एक्स इंटू वन अपॉन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ये तो शो करना था ना, शो दैट टू कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 का हिंट दिया गया, ये उसको देख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने 5B एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 40 और 80 को चेंज कर लिया गया 60 माइनस 20 एंड 60 प्लस 20 के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे टेन ए माइनस बी का रूल लग गया, यहाँ पे टेन ए प्लस बी का रूल लग गया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपको ए प्लस बी माइनस बी की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्या किया, टेन 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा आपका टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। टेन 3 थीटा से वैल्यू आ गई टेन 60, टेन 60 की वैल्यू रूट ऑफ 3 है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि 60 माइनस 20 एंड 60 प्लस 20 किया जाएगा तब सॉल्व होगा। वैसे इससे पहले की एक्सरसाइज में भी लगा है, तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि कभी भी आपके सामने से क्वेश्चन गुजरे तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, सो एक्सरसाइज 5C इज कंप्लीटेड। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, अदरवाइज यू कैन राइट इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू एवरी वन, गुड बाय।